बताता है वोटर्स के खास कार्यक्रम में है। इस वक्त हम अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दूं तो 3 बार लगातार विधायक यहां से टीएस सिंहदेव हैं और इस बार प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हम जानेंगे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स से 4.5 साल में कितना विकास हुआ है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का और कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अभी अधूरे हैं। तो चलिए चलते हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स से बात करने। अंबिकापुर के वोटर्स से हम बातचीत करने पहुँचे हैं। हमारे साथ वोटर्स हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में टीएस सिंहदेव जो विधायक हैं वर्तमान में उनका कार्यकाल कैसा रहा इन 4.5 सालों में। हाँ भैया, मैं उमेश जायसवाल। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत उम्मीद से टीएस बाबा आदरणीय हमारे सहुजा महाराज जी को हम लोग वोट दिए थे। वोट इसलिए दिए थे कि हमें ये उम्मीद था कि ये विधायक ही नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में हमारा पूरे स्टेट का नेतृत्व करेंगे। और निश्चित रूप से जब हम लोग स्थानीय अंबिकापुर के हमारे विधायक जब टीएस देव जो रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर रहेंगे तो हमारा विधानसभा का ज़बरदस्त विकास होगा। मगर दुर्भाग्य हमारा रहा, आपसी खिंचातानी या जो भी कारण रहा उन लोगों के चलते, कि बाबा हमारे जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और विकास की बात है तो विकास भी आपकी खास नहीं हो पाया। खिंचातानी के कारण जो है वही कुछ भी मान लीजिए, हम विकास करना चाहें, बाबा जी करना चाहें, उनके मन में है कि हमारा विधानसभा का क्षेत्र विकास हो, लेकिन CM बघेल से उनकी अच्छी संबंध नहीं होने के कारण हमारा बिल्कुल दुर्भाग्य रहा, कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारा। आप क्या मानते हैं कितना विकास? नहीं हुआ विकास, भैया जो बताया वो सही है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना था, रोड था, नाली था, मोहल्ला था, है ना, और भाई जो मार्केट में भाई जो व्यवस्था होना चाहिए तो कुछ नहीं हुआ। नल जल योजना का जो हमारा कई करोड़ का योजना शासन के द्वारा आया था कि घर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, उस संबंध में वायरिंग हुआ जरूर, घर घर कनेक्शन पहुंचा, मगर पानी नहीं आ पाया। आज भी 48 वार्ड हमारे अंबिकापुर विधानसभा में हैं, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ की रोज़ टैंकर जो है जाना पड़ता है, रोज़ टैंकर के कारण ही, टैंकर के द्वारा ही उनका जो है पूरा सब कुछ व्यवस्था हो पाता है, पानी की कमी अभी भी है। आपसे जानते हैं कि क्या विकास कितना हुआ है? देखा जाए तो अंबिकापुर विधानसभा में विकास 0 है, क्योंकि माननीय भूपेश जी मुख्यमंत्री और हमारे TS बाबा के बीच में जो मनभेद था या मतभेद था उसके चलते विकास नहीं हो पाया। आज भी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया गया, परंतु सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नहीं किया गया है। और चुनाव से पहले जो बातें करते हैं कि हम अंतिम छोर से अंतिम छोर तक की विकास करेंगे, परंतु देखा जाए तो आज भी जो है माननीय महाराज साहब टीएस सिंहदेव के गोद लिए हुए ग्राम बकई जो कि उदयपुर ब्लॉक में है, वहाँ ही नल जल योजना प्राप्त हो चुका है। वहाँ भी आज लोग ढोंढ़ी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया नल जल योजना का, उस नल जल योजना में जो बात बताई नहीं है एकदम सही बात है कि भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। नल जल योजना आज पूरी तरह से जो है खास करके अंबिकापुर में फ्लॉप हो चुका है। और प्रायः देखा जाता है कि कभी पानी में सांप निकल जाता है, कभी गंदगी आता है, कभी कीड़े मकोड़े आता है। तो विकास देखा जाए तो अंबिकापुर विधानसभा का 0 है। हर साथ वोटर्स है और भी वोटर्स हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए कितना विकास हुआ है इस विधानसभा अंबिकापुर। कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर, तो कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पर जब से बने हैं तब से मंत्री। अंबिकापुर विधानसभा के कुछ युवा वोटर्स भी हैं हमारे साथ, तो कुछ सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। क्या लगता है कितना विकास हुआ? मुझे तो लगता है कि बहुत ही कम विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में भी, और मैं खासकर सरगुजा का रहने वाला हूँ तो सरगुजा के लिए तो 0 जैसा आज तक विकास हुआ है इस सरकार ने। मैंने आज तक अपने सरगुजा में कुछ नहीं देखा। जब चुनाव का समय आने लगे तो रोड के निर्माण हो रहे हैं और ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चुनाव के समय आ रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन 4 साल इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारों को बोला था कि रोजगार भत्ता मिलेगा, उसमें से ऐसा भत्ता मिल रहा है कि बहुत सारे अपात्र हो चुके हैं, बहुत सारे बेरोजगारों को आज तक रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रोजगार लेने के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर। तो इस मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार ने कुछ अच्छा विकास किया है। शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसने सरकार ने वादा किया था और वो सब। अंबिकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो
क्या विकास? देखिए, मैं समाज सेवी के रूप में भी एक ग्रामीणों की बातें भी रखता हूँ आगे तक, और मैं आपको बता दूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूँ, वन अधिकार पट्टा का लाभ हो, जल नल योजना का बात हो, आवास हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आज तक नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं वो इस सरकार को खुद पसंद नहीं कर रहे हैं। संतुष्ट तो नहीं है, जितना विकास होना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता है, और पहले से लोग कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तब उनको सब दिखने लगता है कि यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रलोभन वो केवल वादा तक है। कितना वादा पूरा करते हैं आप सबको भी मालूम है, हम सब भी देख रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि संतुष्ट है। वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, चुनाव के करीब दुनिया भर के लोग अपना प्रलोभन देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कितना करते हैं वो आपको भी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इतना विकास काम यहाँ पे हुआ है, विधायक की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। अपने जो भी हैं डीएस बाबा भी जितने भी हैं और सभी अहमद हो गए, सारे लोग का बहुत अच्छा कार्यकाल अच्छा रहा कांग्रेस सरकार का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इशू आया था बट वो क्या बोलते हैं रोड के लिए जो बनारस चौक पास था, अब वो भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपना यहाँ पास का रोजगार कार्यालय पास जो दारू भट्टी था, तब धीरे धीरे वो भी TI लोग जो भी हैं पहले एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब तो बहुत अच्छा कार्यकाल अच्छा चल रहा है अभी 4.5 साल के उसमें। बट और कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा। फिर से चुनाव आएगा, क्या लगता है फिर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे रहेंगे? नहीं, सरकार तो आते जाते रहेंगे, मगर अभी मुद्दा यही रहता है कि भाई जो भी है जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ स्रोत अच्छा बने। जैसे हम लोग जैसे यंग बेच के हैं तो हमारे लिए जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करना, तो ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। अभी जो 4.5 साल के सरकार है, कांग्रेस है, TS सिंहदेव विधायक है, कितना विकास काम हुआ है? विकास तो ठीक है, लेकिन हम कर्मचारियों का भला नहीं हुआ है, केवल बस घुमा फिर आकर रखे हैं, क्या कीजिएगा। फिर वोट आएगा, क्या मांग रहे हैं? अब तो समय ही बताएगा उसको, पहले से हम कैसे तय करें। पिछले बार के कार्यकाल को भी देखें, इस बार कार्यकाल में कितना अंतर नजर आता है? इस सब तो अपना काम किए हैं, लेकिन हमारे पास जो हमको चाहिए वो अभी हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? भाई वही वेतन वगैरह जो है सही समय पर मिले, जो रुका हुआ हो, जो मान है, पेंशन वगैरह है, मैन तो पेंशन है। हाँ, क्या न क्या नया नया प्रक्रिया निकाल के रखे हैं लोग, ये समझ में नहीं आती है अपने को। तो कर्मचारी हैं, इनको जो भी लंबित मांगे हैं वो मांगे, ये मांग रहे हैं कि आने वाले जो सरकार बनती है या विधायक हैं वो उनकी मांग पूरी करें। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी हैं, वोटर्स भी हैं, क्या लगता है, देखते हैं आप कार्यकाल को? 4.5 साल के कार्यकाल में देखा हूँ काफ़ी मतलब डेवलप भी हुआ है, पर उसके साथ साथ महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है, तो सरकार को थोड़ी सी महंगाई कम करने के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई कम करने के बारे में सोचना है, विकास कितना हुआ है? क्या विकास तो अच्छा हो रहा है, सड़कें भी बन रही है, लाइट की भी मतलब पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी है, गांव-गांव में लाइट पहुंचाई जा रही है, और एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, अच्छा है। मतलब अपने जो विधायक हैं TS सिंहदेव, उनके कार्यकाल उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। देखिए, विकास की क्या परिभाषा है, विकास मतलब सड़कें बदहाल है, आप देखें यहाँ से बतौली चल जाएँ तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेनों का आप देखिए, बरवाड़ी की मांग जमाने से चली आ रही है, जस की तस है। स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य में थोड़ा कुछ अच्छा काम हुआ, जैसे आप देखेंगे वो जो बस चलती है जिसमें चौक चौक पर रहती है, उसमें आप लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है। एक और अच्छा काम ये कह सकते हैं कि जो जेनरिक दवाएँ सस्ती मिलनी चालू हो गई हैं वो भी एक अच्छा काम है। एक हमर लैब भी जो खोल दिए, इसमें टेस्ट सस्ते होते हैं, तो स्वास्थ्य में 2-3 काम तो अच्छे हुए हैं। पर मेन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ के लोग क्या करें, एक निजी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ जाएं पैसे लुटाएं, बड़े या किसी को हार्ट का या लीवर का या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है, आज भी मिशन के ऊपर पूरा लोड है। रही बात किसानों की, हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में किसान हैं, उनकी हालत जैसी है वैसे ही है। पर्यावरण के नाम पर आप देखें तो प्रदूषण ही प्रदूषण है, कितनी गर्मी पड़ रही है। अंबिकापुर कितना अच्छा मनाली होता था हमारा, आज आप हालत देख सकते हैं, हसदेव की हालत देख सकते हैं, पेड़ ही पेड़ काटे जा रहे हैं और अदानी वहाँ पे अपनी खदानें चला रहा है। मेन पार्ट को देख लें, पूरा गंजा हो रखा है, एकदम एक रेत का टीला बन जा रहा है, तो पर्यावरण के लिए कोई काम नहीं है। वहाँ कुछ खदानें खोल दी गई हैं नौकरी के नाम पर, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो मजदूरों को 180 रुपये प्रति दिन का जो मिल रहा है मेहनताना, जबरदस्त शोषण है वहाँ की जो बॉक्साइटी खदानों में। हम तो वहाँ खुद गए तो उनके लिए भी कुछ नहीं है।
युवाओं के लिए नौकरी कुछ नहीं है, इसलिए वो धर्म के नाम पे इधर उधर घूमते रहते हैं और धर्म के मद में चूर रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई कार्य नहीं है। शिक्षा पे देखें तो कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, एक आत्मानंद जो स्कूल खुले हैं वो कुछ अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़, उसको मैं कोई दो राय नहीं, एक अच्छा है। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है, कोई कोचिंग करनी है, कुछ बनने के लिए डॉक्टर की, डॉक्टरी की कोचिंग या इंजीनियरिंग की कोचिंग या कोई अच्छा कॉलेज देखें सरकारी, तो यहाँ पे कोई नाम मात्र का भी नहीं है। तो कुल मिला के 4.5 साल में विकास बहुत पीछे चला गया है। भले वो कोई भी पार्टी हो, भले वो कोई भी विधायक हो, हम लोग अंबिकापुर में जहाँ के तहाँ हैं वहाँ हैं। यहाँ आप देखेंगे छोटे व्यापारी भी अपना वही दिनचर्या में महंगाई से त्रस्त हैं, 1000 रुपये किलो सिलेंडर और पेट्रोल ले रहे हैं। कम से कम आप देखेंगे राजस्थान में तो सब्सिडी मिल जा रही है गैस की, यहाँ तो हमारी कमर टूट गई है। कुछ युवा वोटर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि कितना विकास अंबिकापुर विधानसभा? देखिए, अंबिकापुर विधानसभा में जब 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यहाँ विधायक कांग्रेस के थे, तब वर्तमान विधायक के द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि यहाँ पर फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी शासन प्रशासन पूरा इनका है, रायपुर में भी इनके मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन अब पहले की तुलना में देखें तो यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है जो अनुमानित होना चाहिए था। और एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो सड़कों का रास्ता आप देखेंगे, आप रनपुर खुद चल जाइए जो अंबिकापुर विधानसभा में ही अंतर्गत आता है, वहाँ आज भी सीसी रोड बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो मेरे अनुसार नहीं, लगभग आम जनता का भी लगभग यही राय है कि जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल कतई नहीं हुआ है। इस वक्त हम गुरुद्वारा चौक पे हैं और यहाँ मूंग चीला के ये दुकान फेमस है, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आते हैं रोजाना चीला खाने। हम ये यहाँ के वोटर्स भी हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए कि टीएस सिंह देव जो यहाँ के विधायक हैं, उनके कार्यकाल में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? जो विकास अपने सरगुजा में रमन सिंह के टाइम हुआ था उसका 10% भी विकास नहीं हुआ सरगुजा में इन 5 सालों में। मतलब जो विकास हुआ था डॉक्टर रमन सिंह डायरेक्ट मतलब काम हुआ था सरगुजा में, पूरे छत्तीसगढ़ में, वो काम की रफ्तार अभी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। क्या क्या वादे किए थे? अब सरगुजा के देखिए, सबसे मूलभूत सुविधा जो अब सरगुजा को चाहिए वो सड़क है, सड़क रोड एक्टिविटी। तो ये अपने जो है ना रोड, यहाँ से रामानुगंज वाला रोड, सीतापुरा रोड, सारे रोड डिस्टर्ब। अभी इनमें इतने गड्ढे हैं, रामानुगंज रोड भगवान है मालिक है, बाकी रोड तो इधर सूरजपुर जिला के सब रोड टन है। सरगुजा जिला का रोड क्यों नहीं बन पा रहा है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है।